हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होलसेलर्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को, या फिर हम कहें कि किस तरह से होलसेलर्स हेल्प करते हैं रिटेलर्स की इन ट्रेनिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को और साथ ही दबाएँ बेल आइकन, जिससे कि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, होलसेलर्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को, उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। उनमें से सबसे पहला ये है कि व्हाट इज़ ट्रेड। ट्रेड क्या है? तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स को खरीद कर उन्हें बेच दिया जाता है मार्जिन पर, तो उनसे बोलते हैं ट्रेड। इसमें दो टर्म्स इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर वो फर्म, वो कंपनी या फिर वो पर्सन होते हैं जो गुड्स या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चरर करते हैं, और ये लिमिटेड होते हैं। यानी अगर हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरी कंट्री में सिर्फ कुछ ही लिमिटेड होंगे, 1, 2, 5 या 6, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जो पर्सन उन वस्तुओं को, उन गुड्स को, प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स, और ये बहुत अधिक होते हैं, मतलब हर जगह फैले हुए होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक जो सामान पहुंचाया जाएगा वो कहलाते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज, और वो दो होते हैं, एक तो होता है होलसेलर और दूसरा होता है रिटेलर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर की, तो होलसेलर दो लोगों से कनेक्टेड है, मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर से। तो इसीलिए जो भी होलसेलर की सर्विसेज हैं वो मैन्युफैक्चरर के लिए होंगी और रिटेलर के लिए होंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टूवर्ड मैन्युफैक्चरर्स पढ़ चुके थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टूवर्ड रिटेलर्स। तो इसकी सर्विसेज को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सर्विस है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। देखो, रिटेलर्स का क्या काम होता है? रिटेलर्स का काम होता है कि वो होलसेलर से सामान खरीदता है कुछ कम क्वांटिटी में, फिर उसको एक या दो दो यूनिट करके फाइनल कंज्यूमर्स को बेच देता है। तो रिटेलर्स को जब कभी भी जिस किसी भी सामान की ज़रूरत होगी वो उसको मिल जाएगा होलसेलर से, उसको मैन्युफैक्चरर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा भी रिटेलर्स वैरायटी ऑफ सामान रखते हैं, यानी हर तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखते हैं। तो अगर वो एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा तो उसके लिए ये ट्रेडिंग का काम बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। तो उसकी इस तरह से होलसेलर्स हेल्प करते हैं। होलसेलर्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अपने पास सामान रखते हैं इन ए ह्यूज क्वांटिटी, और फिर उसको रिटेलर्स को बेच देते हैं जब कभी भी उन्हें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से होलसेलर्स गुड्स को अवेलेबल कराते हैं रिटेलर्स के लिए जब कभी भी ज़रूरत हो और एक अफोर्डेबल प्राइस पर। नेक्स्ट जो सर्विसेज है होलसेलर्स की रिटेलर्स के लिए वो है फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी। फाइनेंस का मतलब होता है हेल्प इन मनी, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार माल बेचना। अब इसके लिए क्या करते हैं कि रिटेलर्स को कई बार उधार सामान चाहिए होता है, यानी उनके पास पैसा नहीं होता कि वो सामान खरीद सके, तो होलसेलर उन्हें उधार माल दे देते हैं। रिटेलर्स उधार माल खरीद कर अपने पास ले जाते हैं, उन्हें बेचते रहते हैं, और जब कभी भी फ्यूचर में पैसा आता है तो वो उसकी रिपेमेंट कर देते हैं। फेस्टिवल सीज़न में तो क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में एक साथ डिमांड होने पर रिटेलर्स को अपने शॉप में बहुत सारा सामान भरना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वह होलसेलर से उधार ले लेते हैं, क्रेडिट पर परचेज़ कर लेते हैं, और फिर बेचकर जब पैसा उनके पास आ जाता है तो वो उसको पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा अगर रिटेलर्स को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होती है, पैसे की हेल्प चाहिए होती है, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, तो वो भी होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं और वो मनी में हेल्प करते हैं रिटेलर्स की। तो ये अपने आप में कितनी अच्छी हेल्प है, इससे रिटेलर्स को कितना फ़ायदा होता है। उसके बाद है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब है कि क्योंकि रिटेलर्स बहुत अधिक क्वांटिटी में गुड्स परचेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ कुछ कुछ परचेस करते हैं, यानी बहुत कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं और उसको एक एक दो दो यूनिट्स में बेचते रहते हैं। तो क्योंकि इनको रिटेलर्स को स्टोर करना नहीं पड़ता, तो स्टोर करना नहीं पड़ता तो इनको कोई भी खतरा नहीं होता माल के जल जाने का, चोरी होने का, नुकसान होने का, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो बहुत ही कम नुकसान होता है। लेकिन
ये नुकसान किसको होता है? ये नुकसान होलसेलर्स को होता है, क्योंकि वो स्टॉक बहुत सारा होता है, वो हर एक चीज़ का बहुत अधिक क्वांटिटी में स्टॉक करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो माल का चोरी होने का खतरा, जलने का खतरा, डैमेज होने का खतरा होलसेलर्स को ज़्यादा होता है। इसीलिए रिस्क किसके कंधों पर होता है? होलसेलर्स के कंधों पर होता है, रिटेलर्स के कंधों पर नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर्स तो कम क्वांटिटी में सामान रखता है और जब ज़रूरत होती है वो होलसेलर से ला के बेचता रहता है। नेक्स्ट जो सर्विसेज है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मार्केट में कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर रिटेलर्स को देता है, उसके बारे में बताता है, अगर उसके किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में उसको बताता है। इसके अलावा किस क्या प्राइस पर बेची जाए, क्या क्वालिटी है, कैसे बेचना चाहिए, यानी कि अगर नया नया रिटेलर है उसको नहीं आता किस तरह से बेचते हैं, तो होलसेलर्स उसको ये सब भी सिखाता है कि इस तरह से बेचना, इस तरह से रिएक्ट करना कंज्यूमर से, एट्सेट्रा। तो बहुत सारी नॉलेज ट्रेडिंग की और बिजनेस की जो होलसेलर्स के पास होती है वो नॉलेज अपनी देता है रिटेलर्स को। तो इस तरह से रिटेलर को एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है, यानी जनरली एक ट्रेनर का काम करता है होलसेलर्स रिटेलर के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अभी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी हो गई है आज के टाइम में, क्योंकि रिटेलर्स पहले क्या करते थे, रिटेलर्स को अगर थोड़ा सा भी सामान चाहिए होता था तो वो होलसेलर्स के पास जाते थे और उसको खरीद कर वापस अपने शॉप पर आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सर्विसेज होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं, एक नंबर दे देते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू रिटेलर्स होलसेलर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। होलसेलर्स उन्हें फ्री डिलीवरी देते हैं और साथ ही साथ अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देते हैं, यानी रिटेलर्स को अब वापस होलसेलर्स की शॉप के पास नहीं आना पड़ता कुछ भी परचेज करने के लिए, होलसेलर्स खुद रिटेलर्स की शॉप पर अपना सामान पहुँचाएगा जो भी रिटेलर्स को ज़रूरी होता है। तो ये कितनी अच्छी फैसिलिटी है, इससे टाइम की और पैसे की बचत होती है। तो ये थी कुछ फैसिलिटीज सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है होलसेलर्स रिटेलर्स। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।